नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार क्विज मास्टर में, क्विज मास्टर पार्ट ऑफ एग्जामपुर। तो साथियों, सभी लोगों को इंतजार था बहुत ही दिनों से कि आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप बी का एग्जाम कब होगा। जिन लोगों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था वो सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही दिन हो चुके हैं इस फॉर्म को अप्लाई किए हुए। लगभग 9 से 10 महीने होने जा रहे हैं। कितने? 9 से 10 महीने। तो इतने समय हो चुका है तो आप लोग सोच रहे थे कि आखिर इसका पेपर होगा कब, ठीक है, क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए। तो अब आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, वो घड़ी आ चुकी है, वो समय आ चुका है कि अब आप लोगों को अंतिम संघर्ष करने का एक निर्णय लेना है, एक प्रण लेना है कि आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। रणनीति की बात करूं तो सर ने एक वीडियो बनाया था, विवेक सर ने, आप लोगों ने देखा होगा, वो ट्रेंडिंग पे भी है, आप लोग देख सकते हैं, एग्जामपुर पे वीडियो आ चुका है वो, कि कैसी रणनीति होनी चाहिए आपकी, कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, इस चैनल पे आपको स्पीड टेस्ट क्विज यानी कि क्लासेस का टाइम पता चलेगा कि कब किस समय कौन सी क्लासेस होंगी, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी इस पे क्लासेस भी चालू होने वाली हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ था कि ये जो जंग है, ये जो आखिरी जंग है, आखिरी संघर्ष है, इस संघर्ष के लिए एनटीपीसी में अप्लाई किया था 1 करोड़ 26 लाख लोगों ने, 1 करोड़ 26 लाख कुछ हजार विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था। और इस जंग को लड़ते 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 आखिरी सीमा तक कौन पहुंचा? ना लाखों में पहुंचे, सिर्फ हजारों में पहुंचे, सिर्फ हजारों में पहुंचे। और भर्ती भी कितनी मांगी गई? हजारों में ही मांगी गई। लगभग 35,000 वैकेंसी है, 35,208। तो आप ये समझ लो कि जो बच्चे आखिरी तक इस जंग को लड़ते रहे हैं, इस संघर्ष के साथ चलते रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये सिलेक्शन मिलेगा। और ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया था 1,15,76,208 विद्यार्थियों ने, ठीक है, उसमें लाखों लोगों का भी नहीं जंग, मतलब लाखों लोग भी जंग लड़ते लड़ते आखिरी तक वो भी हजारों में पहुंच गए। तो इसमें वैकेंसी कितनी थी? 1,03,000। तो इसमें वैकेंसी 1,03,000 थी। तो अब वक्त आ चुका है दोबारा से पेन उठाने का, अपना पेन को हथियार बनाने का कि आपको कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, और कितना लगभग अब हमारे पास समय बचेगा कि हम उस समय में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। अब देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कहेंगे सर नोटिस नहीं दिखा रहे हो आप, नोटिस दिखाओ। तो देखो आप लोगों के लिए नोटिस भी है, यानी कि ये जो न्यूज है उस न्यूज में आया हुआ है कि आरआरबी इस माह घोषित करेगा कार्यक्रम परीक्षा फरवरी में संभव, ठीक है। तो देखो क्या है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में 2,40,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी ने अप्लाई किया था। कितने? लगभग 2.5 करोड़। कितने? लगभग 2.5 करोड़। और वैकेंसी कितनी है? 1,40,000 के आसपास, लगभग 1.5 लाख। 1.5 लाख तो है नहीं, 1,40,000 भी नहीं है, 1 लाख वैकेंसी 38,000। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि 2.5 करोड़ में से 1,38,000 लोगों का कंपटीशन है। तो आप लोगों को उस कंपटीशन को बीट करने के लिए किस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ाई की, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ाई की, ठीक है, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो जरूरी है आपका टेस्ट, प्रैक्टिस सेट टेस्ट। एग्जाम कैसा आता है? मॉडल पेपर। समझ रहे इस बात को? सबसे ज्यादा वो जरूरी है, अभी मैं उसकी बात भी करूंगा। तो देखो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप छोटा सा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं इसको लेकिन फिर भी बता देता हूँ पढ़ के। तो यहाँ पे दिया हुआ कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली नॉन टेक्निकल कैटो, क्या लिखा है, कैटेगरी, देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा है, मैं मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कैटेगरी एनटीपीसी और आरआरबी आरआरसी की ओर से आयोजित की जाने वाली ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया इस माह के अंत में शुरू हो जाएगी। देखो ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो इस माह के अंत में शुरू हो जाएगी। तो बोर्ड की ओर से पहले एनटीपीसी परीक्षा आयोजित की जाएगी, देखो बोर्ड की ओर से पहले की जाएगी एनटीपीसी की परीक्षा आयोजित, पहले क्या होगा, एनटीपीसी की परीक्षा आयोजित की जाएगी, क्योंकि इसमें भी परीक्षा में भी लगभग 1 से 2 महीने का समय लगेगा।
ठीक है, कितनी भी जल्दी कराएं तो 1 महीने का समय लगेगा। तो 1 महीने के बाद आपकी ग्रुप डी की भी कराई जाएगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो फरवरी मार्च अप्रैल अभी समय है ग्रुप डी के, लेकिन एनटीपीसी में समय नहीं है। ठीक है, तो देखो एनटीपीसी की पहले आयोजित की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस साल रेलवे रेलवे में एनटीपीसी के रिक्त 35,208 पद थे टोटल। इसमें वो आवेदन हुए थे कितने, आवेदन कितने हुए थे? ठीक है, आवेदन हुए थे इसमें, देखो दिख नहीं रहा है। और ग्रुप डी में थे 1,03,769 पद। तो इसमें आवेदन जो हुए थे 1,26,30,000 विद्यार्थी, 1,26,30,885 एनटीपीसी के लिए, और 1,15,67,248 विद्यार्थी आवेदन किया था ग्रुप डी के लिए। तो आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है, कंपटीशन। तो परीक्षा कार्यक्रम के तहत इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया परीक्षा अगस्त सितंबर में होनी प्रस्तावित थी, लेकिन किसी कारणवश वो रोक दी गई थी। तो अब ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो इस माह के अंत तक जारी हो जाएगी, इस माह के अंत तक जारी हो जाएगी। जिन बच्चों को लगे कि फेक वगैरह कुछ भी, तो देखो जिनको फेक लगता है लगने दो, फेक लगता है ना आपको, लगे मेरा कोई नहीं कुछ नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना, फेक फेक के चक्कर में, हमेशा फेक के ही चक्कर में पड़े रहोगे। अगर आप लोग इस चीज को सही मानकर, एक स्ट्रेटेजी बनाकर, एक बढ़िया प्लान बना के अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके अभी भी कानों पे जू नहीं रहेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखेंगे अरे यार कब आएगा एग्जाम डेट, जब आएगी तब देखा जाएगा। जब एग्जाम डेट आएगी ना, तब वो दिन रात एक करने में लगा देंगे, तब वो दिन रात एक करने में लगा देंगे, जब 15 से 20 दिन का समय बचेगा। तो आप लोग बताओ इस कंपटीशन में और इस सिलेबस में 15 से 20 दिन में कुछ हो सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन इस समय जिसने रणनीति बनाई, इस समय जिसने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे किया, वही सक्सेस होगा। तो विवेक सर ने देखो वहां पे क्या होगा, आपको चीजें कैसे मिलेंगी, वहां पे आपको थ्योरेटिकल चीजें मिलेंगी, टॉपिक वाइज चीजें मिलेंगी सारी। यहाँ पे सिर्फ आपके क्विज होंगे, टेस्ट होंगे। इस चैनल को लॉन्च करने का एक ही मतलब था, क्विज और टेस्ट। ठीक है, तो देखो ये रणनीति विवेक सर ने आप लोगों को पहले ही बता दी, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेना। लेकिन आपको पता है कि अगर हमारी जांच ना हो, जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारी जांच ना हो, हमारा टेस्ट ना हो, तो हमारी तैयारी क्या है, हमें कैसे पता चलेगा हमने आखिर आज तक क्या पढ़ा है? क्या हमारी करंट की तैयारी है? क्या हमारी जनरल अवेयरनेस की तैयारी है? क्या हमारी साइंस की तैयारी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कैसे पता चलेगा? उसको पता करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेगा, जिससे आपको सारी चीजें कवर हो पाएंगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की सुपर 3,000 क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, जिसमें सुपर 3,000 क्वेश्चंस, जिनकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, जब 3,000 क्वेश्चंस से कंप्लीट हो जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में रेलवे में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रेलवे में कई बार पूछे जा चुके हैं, जो कि सामान्य विज्ञान की सुपर 3,000 क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी। उसके बाद ये जो खत्म हो जाएगी तो अदर भी चलेगी, जो कि एक्सपेक्टेड होंगे क्वेश्चन। उसके बाद आपकी जो आ जाती है वो जीके, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है, इसमें आपका जो है जीके भी आ जाता है, जीके में आपका हिस्ट्री, ठीक है, और आपका जो है जियोग्राफी, और मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं अदर, पॉलिटी वगैरह, सब इसमें आ जाता है। तो जनरल अवेयरनेस और सामान्य विज्ञान, ये दो ऐसी क्लास हैं जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे, जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर्स बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, जो कि 10 से 12 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें आपको हम क्या करेंगे, लास्ट से 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे, लास्ट से 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट से 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम इसमें कवर करेंगे, और जनरल अवेयरनेस में जीके भी कवर करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, और एक्सपेक्टेड भी कवर करेंगे। तो सारी चीजों को हम कवर करेंगे अच्छे से। इसका क्लास टाइम वगैरह बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताना कि क्लास टाइम वगैरह, मैं बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा कि किस समय कौन सी क्लास होगी, और उस क्लास को आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी होगा, उस क्विज को देना बहुत जरूरी होगा। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड मिलेंगे, और उसका तुरंत आंसर सोच के आपको बताना होगा। इस क्लास को, इस चैनल को लॉन्च करने का एक ही मतलब है, आपकी स्पीड को बढ़ाना, आपकी स्पीड को बढ़ाना, आपके दिमाग को तेज करना, यानी कि आपकी सोचने की जो क्षमता है उसको बहुत ही तेजी से बढ़ाना।
ठीक है, तो आई होप चीजों को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो नीचे कमेंट, आप लोग कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना। कोई भी दिक्कत हो छोटी सी भी तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, जो गंदे कमेंट करेंगे उनके कमेंट से पहले मैं हटाई देता हूँ। और जिन्हें लगता है ये फेक है, जिन्हें लगता है ये फेक है, तो वो बस फेक के चक्कर में पड़े रहे हैं, बस वो फेक के ही बारे में सोचते रहे, ठीक है। फिर वो ओरिजिनल का इंतजार करते रहे, ओरिजिनल का इंतजार करते करते पता चले कि जब एग्जाम, ओरिजिनल का इंतजार करते करते एकदम आया, पता चला और एग्जाम 15 से 20 दिन बाद हो गया। तो ऐसा संभव नहीं है। उसकी कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे प्लान करना है, सारी चीजों को समझ के इस क्विज को जरूर ज्वाइन करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब अपने पेन को हथियार बना लो और आज से ठान लो, दृढ़ कर लो, निश्चय कर लो कि इस बार रेलवे ग्रुप डी, और जिन लोगों ने अप्लाई किया और जिन लोगों ने एनटीपीसी में अप्लाई किया है, कि हर हाल में एक सीट तो हमारी है, एक सीट हमारी है। क्योंकि इस संघर्ष की जंग में जो लास्ट तक खड़ा रहा, जो अब लड़ने को तैयार हो गया दोबारा से, जिसके अंदर जुनून आया कि मैं कर सकता हूं, वही जीतेगा, वही मैदान में जीतेगा। तो नवंबर के लास्ट वीक तक आपका जो है कुछ ना कुछ पता चलेगा कि कब एग्जाम होगा, कि आपका जो है आप फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कि आप एडमिट कार्ड इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ नवंबर में इसका वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो बस अब अपने सपने को पूरे करने का और अपने माता पिता का सपने पूरे करने का, सबके सपने पूरे करने का अब समय आ चुका है, ठीक है, तो याद रखना। तो लास्ट में बस यही कहूंगा छोटी सी बात, कि हो गई जो कि विवेक सर भी कहते हैं, बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा। वो कहते हैं बस एक ही बात, और उस बात को जिसने भी आज तक माना है लाइफ में सक्सेस भी हुआ है, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी बस ये आग लगनी चाहिए, हम सबकी मिलकर बस यही कोशिश है। तो ठीक है, आप लोगों के लिए प्लान एक बना लूंगा कि किस समय कौन सी क्लासेज होंगी, आप लोग कमेंट जरूर करके बताना। और बस लास्ट में ही बोलूंगा कि ठान लेना इस बार, और आज से नए रजिस्टर, नए कॉपी पेन सब खरीद लाओ और कल से पूरा पेज एक से स्टार्ट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके बताना और शेयर करके बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस चैनल से आपको बहुत ही ज्यादा मदद जरूर मिलेगी।